देखो, जब संन्यास लेते हैं वो क्यों लेते हैं, क्या होना है उसमें? मन सत्य की दिशा में रहे और जो माया है असत्य है उसको निकाले। संन्यास की कपड़ा वसन पहनने से और ले लेने से संन्यास हो नहीं जाता। छोटा बच्चा 2.5 साल का पकड़ के स्कूल में ले जाने से वो SSC पास नहीं हो जाता, वो एडमिट होता है, एडमिशन लिया जाता है। तो संन्यास को ग्रहण करता है मतलब उसके मन में उस अवस्था हुआ है, ऐसा नहीं, होने की रास्ता में तुमने चूज किया, ऐसा होता है। ये जो हम समाज में सन्यासी देखते हैं, इनके कहीं जगह पर इंस्टीट्यूशन में देखोगे बहुत जगह में आनंद लिखा हुआ है नाम के पीछे, घर के सरनेम में ही है, नाम भी अलग सरनेम भी अलग। आत्मानंद, सभी में आनंद, क्यों? बात शुरू हुई थी कहां से? उस सत से जो चित पे क्रियान्वित हुआ और आनंद में मैनिफेस्ट हुआ। मैनिफेस्टेशन इज आनंद। तो सत में पहुंचने के लिए संन्यास लिया जाता है। शुरुआत आनंद से होनी पड़ेगी, मैनिफेस्टेशन से, क्योंकि उससे आगे तो तुमको प्रयत्न से जाना पड़ेगा। तुम सिर्फ तुम्हारी अस्तित्व और ये मैनिफेस्टेशन ही समझ सकते हो जो सच्चिदानंद की आनंद रूप हो। इसीलिए बहुत सारे जगह में सन्यासी लिए हुए शरीर के नाम के साथ आनंद रहता है। बेसिक जो सरनेम तुम्हारा सद हो जाना चाहिए, वहां तक पहुंचने के लिए आनंद से शुरुआत होनी चाहिए। अगर इतना तुम मनन करते रहोगे तो आगे बढ़ते ही रहोगे। बचपन में हाथ पकड़ के ए ए ए सिखाया गया है। अब तुम गंभीर निद्रा में भी हो, धक्का मार के कोई बोले ए लिख दो जल्दी, तुम लिख पाओगे, नो प्रॉब्लम, क्योंकि प्रैक्टिस इतना करवाया गया है एक आदि अक्षर का। तो जब ये सत्यता तुम आए कहां से और वो परिवार की टैग लगाना पड़ेगा, तब तो जाके तुम्हारा नाम के घर में तुम पहुंचोगे। पहले उतना तो मनन होनी जरूरी है तुम्हारे शरीर के दिए हुए नाम और शरीर के सरनेम, वो तो बहुत ही अधूरा है। बहुत 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 जन्म से खंडित हुई है, तो उतनी छोटी सी एक कण बन चुके हो तुम। अहंकार के कारण आत्मक भाव रहा नहीं, सिर्फ वो रह गया, तुम जिंदा रह गए, यू आर सर्वाइविंग। और सिर्फ मैं की मेटेरियल लाइफ में डूब गए हो, क्योंकि वो ही समझाया गया है, दोष की नहीं है। लेकिन आज तुम्हें सुनने मिल रहा है तो मनन करो, समझा करो, जो तुम्हारे सरनेम है वो तुम्हारी बहुत ही आंशिक है। तो तुम्हारी सरनेम पहले ही आनंद से शुरू होनी चाहिए सत तक पहुंचने के लिए। सत अवस्था होम होता है। होम तक पहुंचने के लिए तुम्हें कोई ठिकाना बताना पड़ेगा ना, तो मन को वो ठिकाना दो जो तुम्हारी सरनेम और तुम्हारी एड्रेस कहाँ की है।